Welcome all of you in my YouTube channel HK Coaching Classes organized by Siddhi Vinayak International Academy. स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट के अंदर एक्सरसाइज 3.1, जिसके अंदर क्यों हमने जो पिछले वीडियो के अंदर क्वेश्चन 1 और 2 हमने सोल्व किए थे, आज क्वेश्चन 2, 3 और 5, 6, 7 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं इसकी, यानी आज हम एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट करेंगे, जिसमें फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन दे रखा है वो दे रखा है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर हैज देयर स्क्वायर एन इवन नंबर, यानी जो भी नंबर दिए गए इन नंबर में आपको बताना है कि जो इसका स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर करने पे इसका क्या आना चाहिए, इवन नंबर आना चाहिए। यानी आपको ये याद अच्छे से लर्न करना है या याद रखना है कि जो भी नंबर होगा अगर वो इवन नंबर है तो इसका जो स्क्वायर है वो भी क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। अगर ये इसका ओड नंबर है, अगर जो स्क्वायर कोई भी नंबर है जिसका अगर ओड नंबर है, ओड नंबर का अगर आप स्क्वायर करोगे तो आंसर भी आपका ओड नंबर ही आने वाला है। जैसे यहाँ पे दे रहेगा 235, जिसमें आपका लास्ट वाला जो यूनिट है वो क्या दे रखा है, आपको 5 दे रखा है नंबर। आपको लास्ट वाला यूनिट नंबर ही देखना है कि वो इवन है या ओड है, तो आपको देखना है लास्ट का नंबर क्या होना चाहिए, 0, 2, 4, 6, 8, ये अगर नंबर है तो वो क्या है, इवन नंबर है आपका। अगर ये नंबर नहीं है लास्ट के तो आपका क्या होगा, ओड नंबर होगा। तो यहाँ पे 5 है, वो 5 उसमें से नहीं है तो ये आपका क्या है, ओड नंबर है। इसमें भी 5 दे रखा है, ये भी आपका ओड है। इसमें 8 है, ये इवन है। इसमें 4 है, ये आपका इवन है। इसमें 3 है, उसमें 3 नहीं है, ये आपका ओड नंबर है। और इसमें 1 दे रखा है, ये भी आपका ओड नंबर है। यानी ये सभी क्या है, आपके ओड नंबर है। थर्ड और सिक्स में क्या दे रखा है, आपको इवन नंबर दे रखा है। अब इवन नंबर को स्क्वायर करते हैं तो क्या इवन नंबर आएगा, या ओड नंबर वाले को मल्टीप्लाई स्क्वायर फाइंड करते हैं तो क्या इसका स्क्वायर जो है वो आपका ओड नंबर आएगा। तो क्या करते हैं, इसका 235 को 235 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी इसका स्क्वायर कर रहे हैं। तो 5 से क्या हो जाएगा, 25, 5 थ्री 15, 1 और 2 17, 5 टू 10 और 1 11, 5 थ्री 15, 3 9 10 और 3 टू 6 और 1 क्या हो जाएगा आपका 7 हो जाएगा, सॉरी 7 हो जाएगा यहाँ पे, या 10 और 1 3 6 7 7 और 2 टू 4। यानी इसका जो स्क्वायर करने पे अपने पास आंसर आया 56,225। तो 5 जो नंबर है आपका वो क्या है, ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो आपका जो या ओड नंबर में क्या देखा जाता है, 1, 3, 5, 7, 9, ये जो नंबर होंगे वो क्या होंगे, आपके ओड नंबर होंगे। तो इसमें क्या आपका 5, तो ये क्या है, ओड नंबर है। तो आपका जो लास्ट वाला नंबर है, लास्ट वाले नंबर चेक करने पे होगा, तो ये आपका क्या है, इवन नंबर नहीं होगा। इसमें भी आपको 5 दे रखा तो ये भी आपका इवन नंबर नहीं होगा। इसमें आपको क्या दे रखा, इवन नंबर दे रखा है, ये आपका इवन नंबर होगा। इसके लिए आप इसको चेक भी कर सकते हो, इसको अगर चेक करना है तो आपको यानी इसको मल्टीप्लाई करने पर जो अपना आंसर है उसमें जो लास्ट का यूनिट नंबर वो क्या है, इवन, यानी 4 है। तो 4 यहाँ पे मैच हो रहा है, इसलिए ये अपना नंबर क्या हो जाएगा, इवन नंबर हो जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे भी क्या दे रखा है, इवन नंबर दे रखा है ये, तो ये भी आपका लास्ट यूनिट नंबर इवन है, तो इसका जो स्क्वायर करने पर भी क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। ये इवन नंबर नहीं होगा क्योंकि इसमें ओड नंबर दे रखा है, और इसमें भी आपको लास्ट यूनिट नंबर वो क्या है, ओड है। तो ये क्या हो गए, आपके इवन नंबर नहीं होंगे। यानी आपका जो सेकेंड नंबर, सॉरी, थर्ड और जो सिक्स आंसर क्वेश्चन है ये आपके इवन नंबर है, और बाकी फर्स्ट सेकंड और फोर्थ फिफ्थ क्या है, ओड नंबर है। क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा फाइंड द फॉलोइंग सम ऑफ विदाउट एनी ऑपरेशन, यानी आपको जो नीचे नंबर दिए गए इन नंबरों को आपको यहाँ पे क्या करना है, ऐड करना है।
बिना किसी ऑपरेशन के, यानी आपको इन नंबर को काउंट नहीं करना कि 314 ये ऐसे काउंट नहीं करने। तो इसको आपको मैंने बताया था, ये क्या दे रखे आपके ऑड नंबर दे रखे 1, 3, 5, 6, सॉरी 1, 5, 7, और ये इसी प्रकार से आपको ऑड नंबर दे रखे। तो इसकी जो स्टेप थी जो आंसर फाइंड करने की, उसमें क्या करना आपको, ये जो डिजिट दे रखे ये आपको काउंट करने के, कितने लिखे हुए हैं, 1, 2, 3, 4, यानी 4 लिखे हुए हैं। तो आपको क्या करना है, 4 का स्क्वायर करना है। तो 4 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 16 होता है। तो 16 क्या इसका आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपको 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 है तो 7 का स्क्वायर क्या होता है आपका, 49 होता है। तो ये 14 आंसर हो जाएगा। अब 7 का स्क्वायर जैसे मैंने आपको लिखा था, जैसे 1 का, 2 का, 3, 4, 5, 6, 7, यानी 1 का 1, 2 का होता है 4, इसका 9, इसका हो जाएगा 16, इसका 25, 6 का 36, 7 का हो जाएगा 49, जो 8 है आपका हो जाएगा 64, और 9 का आपका 81, 10 का होगा 100। तो ये स्क्वायर मैंने आपको पहले राइट करवाए थे, ये आपको अच्छे से लर्न होने जरूरी है। इसके वजह से यहाँ पे हो गया 7, तो 7 का क्या था 49, तो 49 इसका आंसर है। यहाँ पे काउंट करना है इनको, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो 10 का स्क्वायर क्या होता है अपना 100। ये हो गया अपना एड, यानी सम विदाउट एनी ऑपरेशन, यानी हमने इसको किसी भी प्रकार से एड नहीं किया है। तो ये इसके आंसर राइट है या नहीं है वो आप प्लस करके भी देख सकते हो। जैसे यहाँ पे दे रखा है 7, 7 और जो 5 है, ये दोनों मिला के क्या हो जाएंगे आपके 12, 12 के बाद में आपको 3 प्लस करना क्या हो जाएगा 15, 15 और 1 मिला के क्या हो गया आपका 16। इसी प्रकार से आप इन नंबरों को भी प्लस कर सकते हो, 1 और 3 मिला के हो जाएगा 4, 4 और 5 मिला के हो गया 9, 9 और 7 मिला के हो गया आपका 17, 17 और 9 मिला के हो गया आपका 25, और 25 और 11 हो गया आपका 36, और जो 13 है वो मिलाने पे हो गया आपका 49। इसी प्रकार से आप इनको प्लस कर सकते हो, 1 और 2 मिला के हो गया आपका 4, और 5 मिलाएंगे इसमें तो ये आपका हो जाएगा 9, इसमें प्लस करेंगे 7 तो ये हो जाएगा आपका 16, 9 प्लस करने पे हो जाएगा आपका 25, 11 प्लस करने पे हो जाएगा 36, 13 प्लस करने पे हो जाएगा आपका 49, यहाँ तक तो आपका 49 था। फिर 15 प्लस करने पे आपका हो जाएगा 64, फिर आपको 17 प्लस करने पे हो जाएगा 81, और 19 प्लस करने पे हो जाएगा आपका 100। इस प्रकार से आप इसको बिना किसी ऑपरेशन के क्या आपको आंसर फाइंड कर सकते हो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिफ्थ, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना 5, जिसमें आपको क्या दे रखा है, राइट 64 एज सम ऑफ 8 ओड नंबर। जो आपका जो 64 है वो क्या है, 8 ओड नंबर को मिलाकर बनाया गया है। तो वो 8 ओड नंबर कौन से हैं, वो किस प्रकार से फाइंड किए जाते हैं। तो इसमें क्या करना है आपको, जो 64 है कितने नंबर पूछे आपको, 8 ओड नंबर, तो आप 64 में डिवाइड देना है आपको 8 का। तो कितने टाइम जा रही है, 8 टाइम, यानी जो आप बीच का जो नंबर है वो क्या आपका 8। तो 8 के आपके पहले और बाद में आपको ऑड नंबर राइट करने हैं। जैसे मैंने यहाँ पे अगर 8 है तो 8 के बाद में कौन सा आएगा, पहले कौन सा नंबर आता है 8 के बाद में, आपका 7 ऑड नंबर आता है, फिर आता है आपका 5, फिर आएगा आपका 3, और फिर क्या आता है 1। फिर यहाँ पे 8 के बाद में जो ऑड नंबर आता है वो आपका 9, 11, 13 और 15, यानी ये आपके ऑड नंबर आते हैं। इन ऑड नंबरों को अगर आप प्लस करोगे, यानी 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। तो ये इनका क्या है, ओड नंबर है 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13 और 15, ये इसके ओड नंबर हो जाएंगे। यानी किसी भी नंबर का अगर आपको पूछे जाए तो उसी नंबर, जितने नंबर पूछे जाए, जैसे 64 के 8 पूछे तो आपको 8 का डिवाइड देना है, और जो 8 नंबर आएगा यहाँ पे आएगा 8 नंबर, इससे क्या पूछे आपके कि 8 नंबर पे, 8 आपको क्या करना है, 4 इधर और 4 इधर, दोनों तरफ आपके 4-4 नंबर होने चाहिए। इस प्रकार से आप इसके और नंबर फाइंड कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी नंबर्स आर देयर बिटवीन स्क्वायर ऑफ फॉलोइंग नंबर, यानी कितने नंबर आपके स्क्वायर के होंगे जब इनको आप इन दोनों के स्क्वायर के बीच के नंबर कितना है वो आपको फाइंड करना है। जो 10 का स्क्वायर होता है वो कितना होगा आपका 100, और 11 का जो स्क्वायर होता है वो कितना होता है आपका 121। तो दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो आपको फाइंड करना है। तो आपको लिखना है 121 माइनस 100, तो कितना हो जाएगा आपका 21 इसका आंसर हो जाएगा।
इसी प्रकार से आप क्वेश्चन सेकंड जो दे रखा है उसमें 17 और 18, तो दोनों के बीच का भी आप क्या कर सकते हो, स्क्वायर फाइंड कर सकते हो। स्क्वायर में जो डिफरेंस है वो आपको फाइंड करना है। तो जो 17 है तो 17 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 289। अगर आपको स्क्वायर मैंने कहा था कि आपको अच्छे से लर्न करने हैं, अगर आपने वो अच्छे से याद कर रखे हैं लर्न कर, तो आप डायरेक्ट इनके आंसर राइट कर सकते हो। यानी जो 17 है, 17 का स्क्वायर कितना है, 289। और जो 18 है, 18 का स्क्वायर कितना होगा आपका, 324। अब आपको क्या करना है, दोनों के बीच का डिफरेंस फाइंड करना है। तो बड़ा नंबर क्या आपका, 324 माइनस 289, तो जो डिफरेंस है कितने नंबर का हो जाएगा आपका, जैसे यहाँ पे लेस करना है 4 में से 9 कर दो 5, और यहाँ पे हो जाएगा 11 अगर एड करें 3, यानी 35 हो जाएगा इसका आंसर। इसी प्रकार से आपको 30 और 31 के भी स्क्वायर फाइंड करने हैं। तो जो 30 या 30 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 900 हो जाएगा, और जो 31 है इसका स्क्वायर होगा आपका 961। तो दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा 961 माइनस 900 इक्वल टू 61 हो जाएगा इसका आंसर। इस प्रकार से आप इसके आंसर फाइंड कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7, चेक वेदर गिवन थ्री नंबर आर पाइथागोरन ट्रिपलेट्स और नॉट। यानी तीन जो थ्री थ्री नंबर आपको दिए गए हैं, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट्स है या नहीं है वो आपको फाइंड करना है। तो देखते हैं ये है या नहीं। यानी आपको क्या करना है, फर्स्ट वाले दोनों नंबर दे रखे हैं, दोनों नंबरों को आपको स्क्वायर करके प्लस करना है। अगर उनका प्लस इसके स्क्वायर के इक्वल में हुआ तब तो आपका क्या ये पाइथागोरन ट्रिपलेट है, और अगर नहीं होगा तो ये आपकी पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं है। तो जो 9 का स्क्वायर है प्लस करते हैं इसमें 12 का स्क्वायर, ये इक्वल में होना चाहिए आपका 15 के स्क्वायर में। तो दोनों का स्क्वायर क्या है आपका, 9 का हो जाएगा आपका 81 प्लस इसका हो जाएगा 144। अगर दोनों को प्लस कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा, 225। यहाँ पे तो 15 है, 15 का स्क्वायर होता है 225। तो ये क्या आपकी पाइथागोरन ट्रिपलेट है। इसी प्रकार से आपको इनका करना है, 7 का स्क्वायर प्लस 11 का स्क्वायर इक्वल टू 13 का स्क्वायर। 7 का स्क्वायर आ जाएगा 49 प्लस 11 का जाएगा 121, प्लस दोनों का करेंगे तो जाएगा 170, और इसका होता है 169। तो 169 ये दोनों इक्वल में नहीं है, तो ये आपका पाइथागोरन ट्रिपलेट नहीं होगा। इसी प्रकार से इन दोनों नंबरों के फाइंड करने हैं, यानी 10 का स्क्वायर प्लस 12 का सॉरी 24 का स्क्वायर इक्वल टू 26 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर होता है आपका 100 प्लस इसका होगा 24 का 576, और इसका हो रहा है 776। दोनों को प्लस करेंगे तो हो रहा आपका 776, और इधर भी आपका 776, यानी ये क्या इक्वल है, तो ये पाइथागोरन ट्रिपलेट हो जाएगी। इस प्रकार से आप इनके आंसर फाइंड कर सकते हो। यह आज आपकी एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट वीडियो हम 3.2